उषा पालीवाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम, मेरे दो क्वेश्चन है हकीम पूछिए। जी से। मुझे ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड को तो उन्होंने बताया था उनके ब्रेन में क्लॉट्स थे कि जैतून का नमक और सोडा एक गिलास पानी में डाल के रोज लेना है, और जैतून का सिरका भी, वो जो अदरक शहद और नींबू के रस में। जी लेकिन मुझे ये पूछना था कि ये दोनों उपाय घर में और भी सब कर सकते हैं। मेरा बेटा है 45 साल का और मेरी बेटी भी है 50 साल की, तो घर में और भी स्वस्थ लोग भी ले सकते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल। दूसरा सवाल आपका। दूसरा यही है कि ये जैतून का सिरका वो मिला के ही लेना है या खाली भी लिया जा सकता है? हाँ देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा आपने किया, क्योंकि मैं इसका जवाब देने का इच्छुक रहता हूँ। आप जिस उम्र में हैं उसमें बच्चे 40, 45, 50 साल के हो गए, और जो बीमारियाँ हमें और आपको हैं, इन बच्चों को भी आएंगी। तो इस लिहाज से ये सवाल बहुत अच्छा है। तो ये जो 45, 50 साल के लोग हैं, ये खबरदार रहा करें हर वक्त, क्योंकि रोजाना कई लाख लोगों को शुगर हो जाती है और उनकी उम्र 45, 50 साल होती है। ये उम्र है रोग आने की। अब उसमें थायराइड आए, कोलेस्ट्रॉल आए, दिल की प्रॉब्लम आए, दिमाग की क्लॉटिंग आए, या हार्ट ब्लॉक की जाए, डायबिटीज आए, ब्लड प्रेशर आए, जिनमें से एक रोग आना हर किसी को तय है, एक या उससे ज़्यादा रोग आना हर किसी को तय हो चुका है। तो अगर ये चाहते हैं कि हमें ये रोग ना हो, और इस उम्र वाले खास तौर पर, तो बगैर रोग के ये ले लिया करें, जो नुस्खा आपके पति ले रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप खाने का सोडा डाल के लें, आप वैसे भी ले सकते हैं, खाली जैतून का सिरका भी ले सकते हैं। उसको और तेज़ करने के लिए एक चुटकी खाने का सोडा उसमें मिला लेते हैं, सॉरी, तो वो और तेज़ काम करता है। वरना नुस्खा तो असली, दो नुस्खे हैं असली, वो चार चीज़ों का सिरप, जो अदरक लहसुन नींबू और जैतून का सिरका, असली, ये असली नुस्खा है। अब किसी को वो सिरप नहीं चले तो खाली सिरका ले लें खाने का सोडा डाल के, और किसी को ये भी नहीं चले तो नमक, जैतून असली और खाने का सोडा, आप जानती, गिलास में डाल के 2 बार ले सकते हैं। हर दवा किसी को चलती है, किसी को नहीं चलती है। तो जो ठंडे मिजाज के हैं उनको नहीं चलती है, तो वो नमक, जैतून और खाने का सोडा भी पानी में मिलाकर ले, तब भी यही फायदे करता है। तो ये 6-7 रोग आने रुक जाते हैं अगर हम वक्त से पहले, कभी कभी, कभी ले लिया, कभी नहीं ले लिया, रोज लेने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये दुनिया के ऐसे कामयाब नुस्खे हैं जो इन 6-7 रोग को आने नहीं देते। जी।